स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं मैं उनको बोलूँगा क्योंकि वो देशद्रोही हैं, जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपने हॉस्टल में अपनी शर्ट्स निकाल निकाल के ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो भी हिंदुस्तान की धरती पे, वो हम कैसे सहन कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट का आता है। इन बच्चों का या ये जो स्टूडेंट है, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, आई विल नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर एंटी नेशनलिस्ट, हाउ कम यू कैन से पाकिस्तान जिंदाबाद व्हेन यू आर इन द स्टेट इन द कंट्री ऑफ इंडिया। आई विल नॉट टॉलरेट इट बिकॉज आई हैव गिवन दिस माई लाइफ फॉर दिस कंट्री, और मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे देशद्रोहियों को जो ओपनली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मेरे देश की धरती पे लगा रहे हैं। देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज प्लीज उठाइए, घर पे मत बैठिए। अगर आप देश के लिए नहीं करेंगे तो ये देश ऐसे ही इन गद्दारों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। नमस्कार सभी को, राम राम। मेरे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। और सर के साथ बात करने का जो मेन कारण है वो ये है, जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जीत का जश्न और भारत की हार का जश्न जो है मनाया गया, जिसके अंदर आम लोग तो थे ही कश्मीर के सड़कों पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां थीं और बाकी जो लड़के थे, उन्होंने वहां पर जो है जश्न मनाया है। और ये वो बच्चे हैं जो सरकारी सीट्स के ऊपर जो है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी भी करेंगे। क्या ये हम लोगों का जो टैक्सपेयर्स का पैसा है, क्या इन लोगों के ऊपर बर्बाद हो रहा है जो बच्चे पाकिस्तान की जीत का जश्न और भारत की हार का जश्न मना रहे हैं, और वो भी डेलिबरेटली? विशाल जी से बात करेंगे क्योंकि विशाल जी इसके ऊपर जो है पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। विशाल जी, आप इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके कितने सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जब आपने ये सब कुछ देखा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सैनिक मतलब इतनी ठंड और इतनी कठिनाइयाँ सहन करके देश की सीमाओं की रक्षा हर जगह करता है, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो। आप देख रहे हैं 15 दिन से भट्टा दूरिया में जो पुंछ में इनकाउंटर चल रहा है और हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। और इसके बीच अगर भारत पाकिस्तान के मैच के नाम पर अगर कुछ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं मैं उनको बोलूँगा क्योंकि वो देशद्रोही हैं, जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपने हॉस्टल में अपनी शर्ट्स निकाल निकाल के ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो भी हिंदुस्तान की धरती पे, वो हम कैसे सहन कर सकते हैं? ये कोई इनको बोलेगा कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, दिस इज़ नॉट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, इट इज़ एंटी नेशनल विच दे आर डूइंग। आप इसको कैसे सहन कर सकते हैं? हिंदुस्तान में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट का आता है। इन बच्चों का या ये जो स्टूडेंट है, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, आई विल नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर एंटी नेशनलिस्ट, हाउ कम यू कैन से पाकिस्तान जिंदाबाद व्हेन यू आर इन द स्टेट इन द कंट्री ऑफ इंडिया। आई विल नॉट टॉलरेट इट बिकॉज आई हैव गिवन दिस माई लाइफ फॉर दिस कंट्री, और मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे देशद्रोहियों को जो ओपनली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मेरे देश की धरती पे लगा रहे हैं, मेरे देश की धरती पे नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करूंगा, और मैं जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं जो श्रीनगर में भी बैठे हैं, काफ़ी हैं, मैं उनको भी बोलूँगा आप भी पुलिस स्टेशन जाइए, आप भी इसके खिलाफ कंप्लेन करिए, बिकॉज अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा कैंसर है जो फैलता रहेगा। जो लेफ्टिस्ट यहाँ पे हैं, जितने भी लिबरल्स हैं, वो चाहते हैं हमारा देश बर्बाद हो, हमारा देश का नुकसान हो, ठीक है। अगर हम इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये कैंसर बढ़ता जाएगा। आज मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कल वो दिल्ली में लगेंगे, परसों वो मुंबई में लगेंगे, और ये आगे फैलता ही जाएगा। इसलिए प्लीज़ अपने घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए,
इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लीजिए। बस व्हाट्सएप पे एक वीडियो आपने देख ली, फॉरवर्डेड देख ली, उसको देख लिया, चल यार ये तो साले ऐसे ही हैं, ऐसा मत करिए, बाहर निकलिए, अपनी आवाज़ उठाइए, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज़ प्लीज़ उठाइए, घर पे मत बैठिए। अगर आप देश के लिए नहीं करेंगे तो ये देश ऐसे ही इन गद्दारों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। आपको निकलना पड़ेगा बाहर, आपको निकलना ही पड़ेगा। और मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जिसके हॉस्टल में ये एंटी नेशनल स्लोगनिंग हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, भारत की हार का जश्न मनाया गया है, मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बोलना चाहता हूं कि आपको इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाने पड़ेगी। और जो जो बच्चे, जो जो स्टूडेंट, जो जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट इसके अंदर शामिल है, उनके खिलाफ आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो ये उसके खिलाफ, मैं फिर आपके खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा। और मैं पूरे देशवासियों को बोलता हूं, एकजुट होके जो भी इस देश में रह के भारत की हार का जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की स्लोगनिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होइए, अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाइए और उनके खिलाफ कंप्लेन करिए। जब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये नहीं मानेंगे। इन्होंने जो किया है उसका भुगतान इनको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, जो इस तरह के स्लोगन्स लगवाने वाले लोग हैं ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। और बिल्कुल एंटी नेशनलिस्ट जो हैं जीएमसी श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, और मैं भी प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर से कहूँगा कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए, और इनकी जो फ्री की इनको सीट दी हुई है, जो इनको स्कॉलरशिप पे सीट्स दी गई हैं, इनके ऊपर भी पूरी की पूरी नकेल कसी जाए, क्योंकि ये हम टैक्स पेयर्स का पैसा है जो इन बच्चों के ऊपर खर्चा जा रहा है जो देश के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। धन्यवाद, राम राम।